तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी मंगल प्लास्टिक का जो कागज़ है वो खाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मांस नहीं है तो जो चीज़ उसको दिख जाए उसको खाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर पहले सीमेंट का फर्श खाने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले हरे चारे की कुट्टी पड़ी हुई थी वो खा रहा था, उसको छोड़ के अभी देखो सीमेंट का फर्श, कभी कागज़, ऐसा कुछ भी खाने की कोशिश करता है। और इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी मतलब मंगल की, और अपने क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, छोटे अपनी वर्षा के बच्चे का लखन, तो लखन का नाम भूल गया था मैं। तो लखन और मंगल इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, तो इनकी दवा हम रात को लेके आए थे लेकिन सुबह खेत में लेके आना भूल गए, जो कि दवा इनको आज देनी है। और डॉक्टर साहब को भी बोल दिया है कि मंगल अभी नया है तो इसको गोचिड़ की इंजेक्शन लगवानी है, तो वो इसको लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो साथ ही में हम लखन गोरी को भी लगवा लेंगे, बाकी फिर बाकी सबको हम पाउडर लगा देंगे। तो अभी फार्म के अंदर अपनी सभी गाय खुराक खा रही है, लगभग थोड़ी बहुत ही बची है, बड़ी सारी जो खुराक है वो गाय खा गई। इस साइड में सफाई हो रही टैंक की, क्योंकि पानी उसमें थोड़ा गंदा हो गया था और गंदगी वो अभी साफ़ हो जाएगी, फिर बाद में नया पानी भरेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी मंगल बाहर घूम रहा है, लखन बंधा हुआ है उधर की साइड, वो भी खुराक खा रहा है गोरी के साथ। और अभी आज था लाइट को 9 बजे तक रहने का टाइम, लेकिन हम घर से आए उतने टाइम में लाइट चली गई, सिर्फ 2 टब कुट्टी हो गई जो कि मैंने छोटे बच्चों को डाल दिए, बड़ी गायों के लिए कुट्टी अगर लाइट आई जल्दी तो कर लेंगे या फिर सूखा दे देंगे। तो अभी करते हैं फटाफट बाकी बचे सारे काम। तो अभी अपनी गाय खा रही है सूखा चारा, तो लाइट का इंतज़ार हमने काफ़ी टाइम किया और लाइट आई नहीं, तो हमने फिर सूखा दे दिया हरा चारा अपना जो कल का काटा है, वो हम कल सुबह कुट्टी कर लेंगे, आज इनको हमने सुबह में सूखा दे दिया। लाइट आ जाती तो फिर हरा हो जाता, लेकिन लाइट का इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं था, तो हमने सूखा दे दिया। और अपनी सभी गाय अभी सूखा खा रही है, और रात को थोड़ी तेज़ हवा और बारिश हुई है, बारिश बहुत कम है लेकिन हवा थोड़ी ज़्यादा चली है, बाकी फिर कुछ हुआ तो है नहीं, लेकिन हवा चल रही थी रात को और बादल भी बहुत गरज रहे थे, लेकिन बारिश कुछ ज़्यादा हुई नहीं। पेड़ के नीचे भी गीला है, लेकिन इतना नहीं कि थोड़ा बोल सके कि भाई गीला है, थोड़ा कम है लेकिन ठीक ठाक ही आ गई, तो इतना भी आ गई तो हमें काफ़ी है। तो अभी छोटे शैतानों को हमने हरा दिया था, क्योंकि कुट्टी करते टाइम ही लाइट चली गई, तो 2 टब कुट्टी हो पाई थी वो तो हमने छोटे बच्चों के लिए डाल दी, इनको भी डाल दी, नीम के पेड़ के नीचे उनको भी डाल दी, और अभी सिर्फ चुटकी और चुटकू को उधर से लेके आएंगे, उनके लिए भी उधर डाल दी है। बैल भी सूखा खा रहे, गाय भी सूखा खा रही, सिर्फ बच्चे हरा खा रहे। उसमें मंगल सुबह में कुछ भी खा रहा था, अभी मांस है तो इसकी भी दवा जो कि हमने शाम को मेडिकल से ले ली थी लेकिन सुबह खेत में लेके आना भूल गए, तो जो दवा है अभी चाचा जी घर से लेके आने वाले, तो लखन और मंगल इन दोनों को वो दवा दे देंगे। दोनों को लूज मोशन हो गए और गोचिड़ के इंजेक्शन भी लगवा लेंगे, और जो हमें ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर साहब आ ही रहे तो पूरा ही चेक कर लेंगे कि अगर कोई और दिक्कत हो तो भी हम सॉल्व कर ले। बड़ी होने से ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए छोटी है तब से हम उसकी दवा जो भी हो वो कर लेंगे। तो अभी ये काम भी बाकी है, और अभी सभी लोग घर पे चले गए, अभी अकेला हूँ मैं फार्म पे, क्योंकि मैंने भी जो इनके काम थे वो हो चुके हैं, सिर्फ उस वाले फार्म पे उनको चारा डालना, उनको खोलना वही बाकी है, जो कि हम अभी खाना खा के वो करेंगे। राजा टैंक में रहता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, पीने का पानी भी आज अपने को मिलेगा नहीं क्योंकि बोरवेल है बंद, तो मैंने बोल दिया है कि आप घर से लेके आओ। ये वाला बोरवेल चलता था तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसमें भी मोटर नहीं है तो इसमें से पानी निकाल नहीं सकते, तो ये भी बंद वो भी बंद, तो घर से ही पानी आ जाएगा। तो अभी अपने लखन और मंगल के लिए गोलियाँ आ चुकी है, तो अगर अपने लखन को देनी है तो एक गोली ये पूरी अपने लखन को देंगे और आधी गोली है तो मंगल को, तो इसलिए अभी हम डब्बा लेके आए हैं, एक सरिया लेके आए जिससे हम इन गोलियों को पीस पाए, और पीस के इस वाली बोतल में भरेंगे उसका पाउडर, और हम फिर लखन और मंगल को पिलाएंगे। अभी लखन पी रहा है पानी, मंगल बैठा हुआ है, तो पहले गोलियां पीस के मतलब पहले एक गोली पीस के बोतल में डाल के लखन को पिला लेते, फिर आधी गोली को पीस के बोतल में भर के मंगल को पिलाते। तो कर लेता हूँ अकेला हूँ, पहले मैं पाउडर बना के पिला लेता हूँ बच्चों को। तो अभी लखन और मंगल इन दोनों साहबजादों को दवा पिला दी है, तो इन दोनों को कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ नहीं है, दोनों को लूज मोशन हो गए, तो
तो उसी की दवा हमने पिला दी। इसको मंगल को आधी गोली, लखन को पूरी गोली अभी दवा दे दी है। तो शाम तक क्या असर होता है वो हमें पता चल जाएगा। और गोलियाँ अभी तक बची है, जो कि हमें अगर लगा थोड़ा बहुत फ़र्क भी अभी तक हुआ नहीं तो वो भी दे देंगे। अगर वो दोनों मतलब दो टाइम गोली देने के बाद दोनों में कोई फ़र्क नहीं लगा तो डॉक्टर साहब आ जाएंगे। अगर एक ही बार में अगर ठीक हो गए तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, दोबारा के लिए अपने पास गोलियाँ बची है। तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अगर किसी बड़े को भी हुआ तो भी गोली हम बड़ी अपने पास है तो बड़ी गोली दे देंगे। अभी तो बच्चों के लिए छोटी लाए हैं, तो जैसे ही लगता है हमें थोड़ा बहुत तो हम फटाफट से दवा दे देते हैं। इनको भी खाना मिल गया, ये आराम कर रही है। और ये जो सामने चिड़िया अभी उड़ती गई ऊपर, इसी के अंडे हैं अपने कबूतरों के घर में। तो अभी चलो दूसरे काम देखते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं और फिलहाल अभी धूप नहीं है तो अपनी सभी गाय आराम कर रही है। और ये तो एक बाहर बैठी है, लेकिन धूप नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छाव और धूप एक जैसा ही आज। और देखो अपनी सभी गाय एक बढ़िया से लाइन में बैठ के आराम कर रही है। इस साइड में दो गाय खा रही हैं, एक यहाँ पे खा रही है और एक यहाँ पे बैठी है। बच्चे हैं बाहर, वो भी आराम कर रहे, सभी मतलब आज आराम कर रहे हैं बढ़िया से। ठंडी हवाएं चल रही है और काफ़ी सारे ऊपर बादल हैं। ये देखो काफ़ी ऐसा लग रहा है बढ़िया मौसम, बादल है लेकिन बारिश का मौसम कुछ है नहीं। अपने ऊपर भी बादल है, इधर की साइड भी बादल है, सामने की तरफ भी बादल है, बढ़िया मौसम है। और काम करने में भी आज लग रहा है मज़ा, अगर कोई भी काम है तो आज हो सकता है ऐसा लग रहा है, नहीं तो फिर बाकी इस टाइम इतनी बड़ी धूप रहती थी कि क्या ही बताऊँ। सब लोग छाव देखते थे, काम की कोई काम करने की किसी को इच्छा नहीं होती थी, लेकिन आज बढ़िया लग रहा है कि काम हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। तो अभी अपने फार्म के अंदर वाला जो काम था गोबर उठाने का, वो मैंने कर लिया था थोड़ी देर पहले, अभी फिर से थोड़ा है जो कि उठाने में कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ चारा काटने, दोपहर का टाइम है फिर भी काट लेते क्योंकि कोई धूप है नहीं, फिर चारा काट के फार्म के अंदर गोबर उठा लेंगे। खुराक भी निकालनी बाकी, वो भी बाद में मैं निकाल लूँगा। तो अभी हमने चारा काटने का काम कर लिया है और इतना सारा चारा अभी काट लिया है, इसको भी इकट्ठा कर लेंगे और कल हम इसकी सुबह में कुट्टी कर लेंगे। और हमने अभी जो खड़ा था वही काट दिया इस साइड में, क्योंकि बार बार इस जगह पे ये खुलते थे तो पानी पे जाने का छोड़ के यहाँ पे चारे में घुस जाते थे बार बार। तो अभी ये सीधा यहाँ से छोड़ेंगे तो सीधा जाएंगे पानी पे, तो इसको काट लिया है तो अभी यहाँ पे जाने का काम ख़त्म। बाकी आगे की साइड का जो दिख रहा है अभी ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये गिरा हुआ इसलिए छोटा दिख रहा है, तो ये कट गया है लेकिन कल से वो वाला कटेगा। इसको अभी टाइम है क्योंकि इस साइड में नहीं जाते ज़्यादा, लेकिन ये पास में यहाँ बार बार जा रहे थे तो ये भी कट गया। अभी ये सीधा पानी पे निकलेंगे, तो अभी थोड़ी देर में इन सबको भी पानी पिलाना है। तो अभी हम दो बुल को बैलगाड़ी चलाना सिखाने वाले हैं। तो इधर वाले बुल को अभी तक कभी चलाया ही नहीं और उसके नाक में रस्सी भी नहीं डाली तो बहुत आएगा। तो हम इसको दो दौर लगा लेंगे, एक कोई भी बैलगाड़ी में बैठ के खींचेगा एक जन, और एक जन इसको पीछे से मतलब नीचे से खींचेगा। और ये तो चलता है थोड़ा बहुत, इसकी कोई दिक्कत नहीं। इसको सिखाना है मेन तो इस लाल को, रेड कलर में इसको। तो दो ही लोग, वीडियो बनता है नहीं, कुछ कह नहीं सकते, और कैसे चलता है वो भी पता नहीं। अगर भागेगा तो फिर दो लोग उसको कंट्रोल करने में लग जाएंगे तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगर बन पाया तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर हम बना चलाने के बाद बता दूंगा कि चल पाया या नहीं चला, क्या हुआ वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी फटाफट से इनको बैलगाड़ी के साथ जोड़ते हैं और थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं। तो अपने दोनों बैल यहाँ फार्म पे थे और हम गए थे आज दो बुल को बैलगाड़ी चलाना सिखा रहे थे। उसमें से एक तो थोड़ा बहुत चलता था, जो कि हम कभी कभार अपने इन बैलों के साथ भी उसको लेके आते थे और वो थोड़ा बढ़िया चलता था। और एक तो उसको कुछ पता नहीं था, नाक में उसके रस्सी भी नहीं थी, तो नया नया था, थोड़ा हम लग रहा था कि भी चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन वो दो कदम भी चला नहीं, सिर्फ नीचे सिर कर लेता था और अगले पैर टिका देता था, तो बैठ जाता था बार बार। तो हम परेशान होकर उसको छोड़ के फिर उसके साथ दूसरे बुल को लेके, मतलब दोनों जो पुराने बुल जो कि इनके साथ चलते थे उनको ले गए। तो वो भी काफी दिनों से कुछ काम किया नहीं उन्होंने भी, तो वो भी थोड़े आज भाग दौड़ कर रहे थे, परेशान हो गए उनसे भी। तो हमने आखिर का काम को छोड़ दिया और फार्म पे आ गए, क्योंकि ठीक से चल नहीं रहते तो उधर फालतू टाइम पास करने से अपने यहाँ के काम रह जाते।
उनको हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे। 5-6 दिन से कुछ किया ही नहीं और एकदम आज हमने सोचा चलो एक नए बुल को लेके चलते, कुछ अलग होगा, लेकिन अलग कुछ हुआ नहीं भाई साहब, चले ही नहीं। तो वो छोड़ के अभी हम इधर आ चुके, तो अभी इन सबको हम देंगे अभी खुराक थोड़ी देर में। पहले फार्म के अंदर जो गोबर है वो उठा लेते हैं, उठाने के बाद फिर गाय बांध देंगे, उसके बाद खुराक रखी जाएगी। चारा बाद में लाइट आ गई थी तो कुट्टी हमने कर ली, उसके बाद फिर मैंने चारा काट लिया था जो कि आपको पता ही है, लेके भी आ गए जो कि हम कल सुबह उसको कुट्टी करेंगे। तो अभी फिलहाल अपने जो काम है यहाँ के वो कर लेते हैं। छोटे शैतानों को हमने अभी फिलहाल चारा दिया नहीं दोपहर का, अभी दे देते हैं उनको। दोपहर को देना था लेकिन पेट फुल लगा तो मैंने दिया नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा दे देते उतना खा ले, उसके बाद फिर हम इनको खुराक दे देंगे। चुटकी और चुटकियों को सामने देखो खेत में बांध दिया पिताजी ने, और लखन भी उन्हीं के साथ खा रहा है। तो अभी उनका बाकी काम, तो मंगल की माँ को हमने चारा खाने के लिए छोड़ा है, और चारा खाने के बजाय क्या कर रही है देखो, अगर पास जाऊंगा तो निकल जाएगी वहां से, इसलिए दूरी पे खड़ो, जैसे नजर जाऊंगा आप देखना क्या करेगी। ये देखो इसको खाना है चारा, और खोला उसी लिए है, चारा है टब के अंदर और फार्म के अंदर पूरी जगह भी डल गया है। बोलो देखो इसको भी मस्ती सूझ रही है चारा खाना छोड़ के, और बाद में सिर्फ सभी गाय खुल जाएंगी तब ये उनके साथ बीच में जाने की कोशिश कर, तब चाचा जी को लगता है कि इसको चारा नहीं मिला, तब वो बाकी गायों को खाने नहीं देते इसको खिलाने के लिए, और ये है जब इसको खाने को छोड़ दे तो ये अलग ही उसके अलग ही तेवर में रहते। मंगल और लखन दोनों बाहर की साइड, ये देखो चारे के पास, और ये भाई साहब अभी आएंगे थोड़ी देर में अंदर। लखन उधर चारा खा रहा है, मंगल सिर्फ उसके साथ घूमता है, उसको कहता है कि चलो तुझे जहाँ जाना है मैं तेरे को साथ तेरे साथ रहूंगा, तो सिर्फ साथीदार बन के उसके साथ घूमता है, बाकी फिर चारा भी नहीं खाता। और अपनी सभी गायों ने भी खुराक खा ली है फार्म के अंदर, सभी जगह जो सुबह हरा डालना था वो भी शाम के लिए डाल दिया है। और बाहर की साइड अपने छोटे शैतान, आज एक भी शैतान को अंदर नहीं बांधा मैंने, क्योंकि अब ये दोनों शैतान खुले थे और मैं उन शैतानों को लेके आ रहा था, तो ये भी बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने अंदर का गेट खोला ही नहीं और उनको बाहर ही बांध दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा भाई रहता है तो उन लखन और मंगल को बांध देता है, लेकिन मैं बांधता नहीं, जब वो दूध पीने आएंगे तभी बांधे जाएंगे, मैं खुला ही रखता हूँ। और अभी बाहर की साइड अपने ये आ गए यहाँ पे तीन शैतान, आरती, कपिला और विक्रम, और इस साइड में गुड़िया, और ये रहे छोटे शैतान गौरी, रामजी और लक्ष्मी, सभी बाहर है। थोड़ी देर में सब अंदर आ जाएंगे। बैलों को चारा शाम का डल गया है और उन्हें लगभग खा भी लिया, वो तो वहीं पे, गाय भी थोड़ी देर में खाना खा लेंगी। कबूतरों को बंद करना बाकी है क्योंकि यहाँ से तीनों को अलग निकालेंगे और उनको राजा के घर में ले जाएंगे, फिर बाकी सब शांति से अंदर बंद होंगे। राजा टैंक में रहता है, जब से कबूतरों को राजा के घर में बंद कर रहे तो तब से हमने राजा को टैंक में से निकाला ही नहीं, वहीं पे उसको रखे रहते, उधर ही रहता है, बाकी फिर कोई दिक्कत है नहीं। और अभी फिलहाल ये देखो ये दो अलग ही तेवर इन दोनों में, ये दोनों आज सुबह से इस वाले घर में जा रहे, तो मतलब ये यहीं पे अंडे देंगे, और ये दोनों अभी आज से या फिर कल से इस वाले घर में रहा करेंगे, बाकी फिर हम ये जो रहे इनको इस वाले घर में बंद करेंगे। अगर ये दो इधर चले गए तो फिर इधर से सिर्फ एक ही है जिसको हम राजा के घर में बंद करेंगे, जो हम तीन बंद करते हैं तीन की जगह सिर्फ एक होगा। तो अभी थोड़ी देर में दूध निकालने की शुरुआत करते हैं, मंगल की माँ को बांध के रखेंगे, नहीं तो फिर वो दूध निकालेंगे टाइम या वो भागने की कोशिश करेगी। अभी भी देखो मेरी तरफ ही आ रही है, मुझे सिंग मार रही है। तो अपने अभी सभी गाय चारा खाने खुल गई है, और देखो मंगल की माँ जब खाना था तब मस्ती कर रही थी और अभी इनके साथ खा रही, तो उसकी मर्जी जैसे खाना है वो खाए, सभी जगह हरा चारा है बढ़िया वाला, तो सभी बढ़िया से खा रही। सेफ्ट रूम के अंदर छोटे इधर बंद हो गए, थोड़े बड़े उधर हो गए, बैलों को चारा मिल चुका था उन्होंने खा लिया, डॉग को खाना मिल गया। और अभी देखो तीन शैतान बेटे गौरी, लखन और मंगल, और राम जी और लक्ष्मी दो ही चारा खा रहे, तो भी फटाफट से घर पे निकलना है, कबूतरों को कर दिया बंद, परेशान कर रहे थे तो आज एक ही को अलग किया है, बाकी फिर अपने आप ही बंद हो गए। तो अभी सारे काम निपटा लिए, तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।